और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी लोकसभा में प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अधीर रंजन चौधरी जी ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का यह सम्मेलन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सानिध्य में हो रहा है उनकी यह प्रतिमा हम सब लोग जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है एक युग था जब यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी थी उसको विश्व की सर्वोच्च ऊंची प्रतिमा माना जाता था और इस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि आज हम सब भारतवासियों के लिए योग गौरव का विषय है हम सब जानते हैं कि देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार रहे सरदार पटेल की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया जाना बहुत सार्थक है इसीलिए उनका जन्म दिवस भी प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है यह एक सुखद संयोग है कि आज भारतीय परंपरा के अनुसार एक, एक त्यौहार भी आता है देवोत्थान एकादशी का पावन बोलचाल की भाषा में देश के अनेक हिस्सों में इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और ये मान्यता है कि आज के दिन से सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ती है तथा मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी होता है मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ इसे दैवी संयोग भी माना जा सकता है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण जैसा कि आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने भी कहा कि पिछले लगभग साढ़े आठ महीने के पश्चात आज पहली बार मुझे किसी सभा को सीधे जो एक्चुअल की बात कर रहे थे सीधे संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है विषम परिस्थितियों में इस सम्मेलन का आयोजन करने से जुड़े सभी महानुभावों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। वर्ष 1921 में स्थापित ए कॉन्फ्रेंस इस वर्ष अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही है लगभग 100 वर्ष से इस सम्मेलन का आयोजन होना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है दो दिन का यह सम्मेलन कल 26 नवंबर को संविधान दिवस पर समाप्त हो रहा है हम सब जानते हैं कि देशवासियों ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत व आत्मार्पित किया था मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हम सभी देशवासियों के लिए संविधान दिवस का एक विशेष महत्व है और इसीलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति सभापति के साथ साथ आप सभी प्रसाइडिंग ऑफिसर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता वर्ष 1925 में श्री बिठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था इस पद पर आसीन होने वाले वे प्रथम भारतीय थे यह एक ऐतिहासिक अवसर था श्री बिठल भाई पटेल गुजरात के प्रसिद्ध वकील स्वतंत्रता सेनानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे वे गुजरात की माटी से उपजे राष्ट्र निर्माताओं में से एक प्रमुख विभूति थे स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा में परिवर्तित हो गई यह एक और भी सुखद संयोग है कि भारत की पहली लोकसभा के स्पीकर श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म भी गुजरात में हुआ था भारत की संसदीय प्रक्रिया की सफलता में श्री मावलंकर के योगदान के लिए हम श्रद्धा व आदर से उनका स्मरण करते हैं आदरणीय पीठासीन अधिकारीगण पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर जी ने देश के लोकाचार के अनुरूप प्रक्रियाएं और परंपराएं निर्धारित की वे स्वयं सदन की मान मर्यादाओं का पालन करते थे तथा दूसरों से भी इनका दृढ़ता से अनुपालन करवाते थे उनका मानना था कि संसद और राज्यों के विधानमंडल जिसमें कि विधानसभाएं और विधान परिषद भी शामिल हैं जनहित की सिद्धि के लिए सर्वोच्च मंच होते हैं और सभी सदस्यों को अपने राजनैतिक मतभेद भुलाते हुए कंसेंसस से यानी आम सहमति से जनहित का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए मावलंकर जी के शब्दों में यदि हम कहें तो मैं उन्हें कोट करना चाहूँगा उन्होंने कहा था ईच वन ऑफ अस हैज टू रिमेम्बर दैट हाउ सो यूवर द डिफरेंस इन व्यू पॉइंट्स एंड मेथड्स वी आर ऑल मीटिंग हियर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशन फॉर वन कॉमन काज विच इन दी लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल टू द कांस्टिट्यूशन इज टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी अनकोट उपस्थित पीठासीन अधिकारीगण आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही भारत में आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले से गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द प्रयोग में रहे हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख जनतंत्र तथा गणराज्य के आधुनिक संदर्भों में किया गया है। हमारे यहाँ वैशाली कपिलवस्तु और मिथिला जो वर्तमान में बिहार राज्य के क्षेत्र हैं जैसे अनेक गणतंत्र अस्तित्व में थे इस प्रकार भारत को वास्तव में गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है भारत में सदा ही अच्छे विचारों का स्वागत किया गया संविधान के निर्माण में भी विश्व के संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया गया असाधारण विवेक के धनी डॉ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है पिछले कुछ दशकों दशकों में आम जनमानस की आशाओं आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें लोकतांत्रिक संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है व्यापक पहुंच वाले मीडिया के इस युग में संसद और कुछ विधानसभाओं की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाता है इससे सांसदों और विधायकों द्वारा की जाने वाली चर्चाओं और गतिविधियों की जानकारी जनता के व्यापक वर्ग तक तत्काल पहुंच जाती है देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के योगदान व प्रयासों को प्रत्यक्ष देखती है इसलिए जनप्रतिनिधियों में अपनी भूमिका के प्रति सजगता भी बढ़ी है मुझे भी 12 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संसदीय कार्रवाई में भाग लेने व उसे नजदीक से देखने का सुअवसर मिला मेरा मानना है कि देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा करती है इसलिए कभी कभी जब जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद या विधानसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित आचरण किया जाता है तो जनता को बहुत पीड़ा होती है जन कल्याण के व्यापक हित में सामंजस्य और समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है मैं इसे फिर रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी और कुशलता पूर्वक निभा सकते हैं जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए दोनों में सामंजस्य सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है पीठासीन अधिकारियों का यह दायित्व तो है कि वे सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं और शिष्ट संवाद तथा चर्चा को प्रोत्साहित करें अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोग भी किसी न किसी कांस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति भी होती है सदन के अध्यक्ष का आसन उनकी गरिमा और दायित्व दोनों का प्रतीक होता है जहां बैठकर वह पूरी निष्पक्षता और न्याय भावना से कार्य करते हैं निष्पक्षता और न्याय भावना से काम करना हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है हमारी लोक कथाओं में भी ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं और आज इस अवसर पर मैं एक दृष्टांत आप सब लोगों के बीच में साझा भी करना चाहूँगा एक चरवाहा जिसे अंग्रेजी में सेफर्ड कहते हैं उसकी एक उस बालक की एक कहानी आती है जिसमें कहा गया कि वह बालक अपने साथियों के साथ पशुओं को चराने के लिए प्रत्येक दिन अपने गांव से बाहर जाता था जब पशु इधर उधर घास चरने लगते तो सभी बालक आपस में मिलकर खेल खेलने लगते एक दिन खेलते खेलते वह बालक एक चट्टान पर बैठ गया चट्टान पर बैठते ही बालक की भाव भंगिमा बदल जाती थी और वह किसी न्यायप्रिय राजा की तरह बर्ताव करने लगता था जब बच्चों का आपस में झगड़ा होता और वो उसके पास उस बालक के पास समाधान के लिए जाते तो वह पूरी गंभीरता से न्यायपूर्ण समाधान देता था लेकिन चट्टान से जैसे ही वो बालक हटता था उतरता था वैसे ही वो बालक सामान्य बालकों जैसा व्यवहार करने लगता था उस बालक के व्यवहार की चर्चा उस राज्य के राजा तक पहुंची और उस स्थान पर खुदवाई कराई गई कि आखिर उस चट्टान की विशेषता क्या है उस खुदाई के पश्चात ये पता चला कि वो सिंहासन देश के भारत के न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य का था उस सिंहासन के प्रभाव से ही उस बालक में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता आ जाती थी आप सभी पीठासीन अधिकारियों का भी जो अध्यक्षी पीठ होती है वो भी निष्पक्षता समदर्शता और न्यायप्रियता का आसन है और आप सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपका व्यवहार भी इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होना चाहिए हमारी लोकसभा में भी अध्यक्षीय पीठ के पीछे बौद्ध चिंतन की एक सूक्ति अंकित है वहाँ लिखा है कि धर्म चक्र प्रवर्तनाय अर्थात कि संसदीय प्रणाली के अंग के रूप में हम सभी का लक्ष्य धर्म धर्म यानी लोक कल्याण के प्रति होता है और अपने कर्तव्य की प्रक्रिया को गतिमान रखना हमेशा बनाए रखना चाहिए भारत की संसद ने जन भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों और स्वस्थ चर्चा को प्रोत्साहित करने वाले निकाय के रूप में लोगों के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाएं और विधान परिषदें भी लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को मुखरित करने का सशक्त माध्यम बनी है सभी पीठासीन अधिकारीगण लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के कल्याण का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई है इसलिए संसद एवं विधानमंडल का सदस्य होना अपने आप में सभी के लिए गौरव की बात है सभी सदस्यों को और पीठासीन अधिकारियों को जनता की भलाई तथा देश की तरक्की के लिए एक दूसरे की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए पीठासीन अधिकारियों की गरिमा का ध्यान रखने से सांसदों और विधायकों का अपना सम्मान भी बढ़ता है और लोगों के मन में संसदीय लोकतंत्र के प्रति आदर भाव भी बना रहता है वर्ष उन्नीस में भारतीय संविधान सभा में आज ही के दिन जिसका उल्लेख भी किया हमारे पूर्व वक्ताओं ने विशेषकर लोकसभा के अध्यक्ष जी ने आज ही के दिन संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता भारत की जनता और राजनीतिक दलों के आचरण पर निर्भर करेगी अब यह हम सब पर निर्भर है कि अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए भय प्रलोभन राग द्वेष पक्षपात और भेदभाव से मुक्त होकर शुद्ध अंताकरण से कार्य करें भारत की शासन व्यवस्था के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका द्वारा आपसी समन्वय और सामंजस्य से ही कार्य करने की परंपरा अब सुदृढ़ हो चुकी है मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस परंपरा को पुष्ट करने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान सशक्त लोकतंत्र आप सभी के एजेंडा में सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय इस विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं और मुझे प्रसन्नता होगी स्पीकर साहब कि यदि आप इस गहन मंथन के पश्चात जो रिपोर्ट बने उसे आप यदि मेरे पास भी भेजें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी मुझे विश्वास है कि इन दो दिनों में आप सभी के विचार मंथन से जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उनको अपनाने से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः लोक कल्याण विशेष रूप से गरीबों पिछड़ों और वंचितों के उत्थान और देश की प्रगति के परम ध्येय से संचालित होती है मेरा विश्वास है कि शासन के तीनों अंग मिलकर इस ध्येय को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया विशेषकर ऋग्वेद में कहा गया है सम गच्छु सम सम्वम सम वो मनांसी जानताम अर्थात सभी साथ मिलकर चलें सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें और सबके मन भी मिले रहें मेरी आप सबके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मित्रों अंत में मुझे ये भी कहना है कि आज सुबह जब मैं दिल्ली से चला था तो एक दुखद घटना की जानकारी मिली श्री अहमद पटेल के निधन का समाचार मुझे मिला बहुत दुख हुआ वे देश के एक वरिष्ठ राजनेता थे जिस स्थान पर हम ये सम्मेलन कर रहे हैं इसलिए इस घटना को उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक था ये कार्य क्षेत्र उनका जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से या पब्लिक फील्ड की दृष्टि से उनके कार्यक्षेत्र यही क्षेत्र रहा है और इस दृष्टि से मैं अपनी उनकी स्मृति को नमन करता हूं इसी के साथ मैं अपनी बात भी समाप्त करता हूं धन्यवाद जय हिंद अनमोल संबोधन के लिए माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी लोकसभा में प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अधीर रंजन चौधरी जी ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का यह सम्मेलन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सानिध्य में हो रहा है उनकी यह प्रतिमा हम सब लोग जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है एक युग था जब यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी थी उसको विश्व की सर्वोच्च ऊंची प्रतिमा माना जाता था और इस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि आज हम सब भारतवासियों के लिए ये गौरव का विषय है हम सब जानते हैं कि देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार रहे सरदार पटेल की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया जाना बहुत सार्थक है इसीलिए उनका जन्म दिवस भी प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है यह एक सुखद संयोग है कि आज भारतीय परंपरा के अनुसार एक देव एक त्यौहार भी आता है देवोत्थान एकादशी का पावन बोलचाल की भाषा में देश के अनेक हिस्सों में इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और ये मान्यता है कि आज के दिन से सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ती है तथा मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी होता है मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं इसे दैवी संयोग भी माना जा सकता है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण जैसा कि आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने भी कहा कि पिछले लगभग साढ़े आठ महीने के पश्चात आज पहली बार मुझे किसी सभा को सीधे जो एक्चुअल की बात कर रहे थे सीधे संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है विषम परिस्थितियों में इस सम्मेलन का आयोजन करने से जुड़े सभी महानुभावों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। वर्ष 1921 में स्थापित ए कॉन्फ्रेंस इस वर्ष अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही है लगभग 100 वर्ष से इस सम्मेलन का आयोजन होना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है दो दिन का यह सम्मेलन कल 26 नवंबर को संविधान दिवस पर समाप्त हो रहा है हम सब जानते हैं कि देशवासियों ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत व आत्मार्पित किया था मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हम सभी देशवासियों के लिए संविधान दिवस का एक विशेष महत्व है और इसीलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के साथ साथ आप सभी प्रसाइडिंग ऑफिसर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता वर्ष 1925 में श्री बिठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था इस पद पर आसीन होने वाले वे प्रथम भारतीय थे यह एक ऐतिहासिक अवसर था श्री विठल भाई पटेल गुजरात के प्रसिद्ध वकील स्वतंत्रता सेनानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे वे गुजरात की माटी से उपजे राष्ट्र निर्माताओं में से एक प्रमुख विभूति थे स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा में परिवर्तित हो गई यह एक और भी सुखद संयोग है कि भारत की पहली लोकसभा के स्पीकर श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म भी गुजरात में हुआ था भारत की संसदीय प्रक्रिया की सफलता में श्री मावलंकर के योगदान के लिए हम श्रद्धा व आदर से उनका स्मरण करते हैं आदरणीय पीठासीन अधिकारीगण पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर जी ने देश के लोकाचार के अनुरूप प्रक्रियाएं और परंपराएं निर्धारित की वे स्वयं सदन की मान मर्यादाओं का पालन करते थे तथा दूसरों से भी इनका दृढ़ता से अनुपालन करवाते थे उनका मानना था कि संसद और राज्यों के विधानमंडल जिसमें कि विधानसभाएं और विधान परिषद भी शामिल हैं जनहित की सिद्धि के लिए सर्वोच्च मंच होते हैं और सभी सदस्यों को अपने राजनैतिक मतभेद भुलाते हुए कंसेंसस से यानी आम सहमति से जनहित का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए मा जी के शब्दों में यदि हम कहें तो मैं उन्हें कोट करना चाहूँगा उन्होंने कहा था ईच वन ऑफ अस हैज टू रिमेम्बर दैट हाउ सो यूवर द डिफरेंस इन व्यू पॉइंट्स एंड मेथड्स वी आर ऑल मीटिंग हियर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशन फॉर वन कॉमन काज विच इन दी लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल टू द कांस्टिट्यूशन इज टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी अनकोट उपस्थित पीठासीन अधिकारीगण आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं भारत में आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले से गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द प्रयोग में रहे हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख जनतंत्र तथा गणराज्य के आधुनिक संदर्भों में किया गया हमारे यहाँ वैशाली कपिलवस्तु और मिथिला जो वर्तमान में बिहार राज्य के क्षेत्र हैं जैसे अनेक गणतंत्र अस्तित्व में थे इस प्रकार भारत को वास्तव में गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है भारत में सदा ही अच्छे विचारों का स्वागत किया गया संविधान के निर्माण में भी विश्व के संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया गया असाधारण विवेक के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है पिछले कुछ दरसों दशकों में आम जनमानस की आशाओं आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें लोकतांत्रिक संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है व्यापक पहुंच वाले मीडिया के इस युग में संसद और कुछ विधानसभाओं की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाता है इससे सांसदों और विधायकों द्वारा की जाने वाली चर्चाओं और गतिविधियों की जानकारी जनता के व्यापक वर्ग तक तत्काल पहुंच जाती है देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के योगदान व प्रयासों को प्रत्यक्ष देखती है इसलिए जनप्रतिनिधियों में अपनी भूमिका के प्रति सजगता भी बढ़ी है मुझे भी 12 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संसदीय कार्रवाई में भाग लेने व उसे नजदीक से देखने का सुअवसर मिला मेरा मानना है कि देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा करती है इसलिए कभी कभी जब जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद या विधानसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित आचरण किया जाता है तो जनता को बहुत पीड़ा होती है जन कल्याण के व्यापक हित में सामंजस्य और समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है मैं इसे फिर रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी और कुशलता पूर्वक निभा सकते हैं जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए इन दोनों में सामंजस्य सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है पीठासीन अधिकारियों का यह दायित्व तो है कि वे सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं और शिष्ट संवाद तथा चर्चा को प्रोत्साहित करें अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोग भी किसी न किसी कांस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति भी होती है सदन के अध्यक्ष का आसन उनकी गरिमा और दायित्व दोनों का प्रतीक होता है जहां बैठकर वह पूरी निष्पक्षता और न्याय भावना से कार्य करते हैं निष्पक्षता और न्याय भावना से काम करना हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है हमारी लोक कथाओं में भी ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं और आज इस अवसर पर मैं एक दृष्टांत आप सब लोगों के बीच में साझा भी करना चाहूँगा एक चरवाहा जिसे अंग्रेजी में सेफर्ड कहते हैं उसकी एक उस बालक की कहानी आती है जिसमें कहा गया कि वह बालक अपने साथियों के साथ पशुओं को चराने के लिए प्रत्येक दिन अपने गांव से बाहर जाता था जब पशु इधर उधर घास चरने लगते तो सभी बालक आपस में मिलकर खेल खेलने लगते एक दिन खेलते खेलते वह बालक एक चट्टान पर बैठ गया चट्टान पर बैठते ही बालक की भाव भंगिमा बदल जाती थी और वह किसी न्यायप्रिय राजा की तरह बर्ताव करने लगता था जब बच्चों का आपस में झगड़ा होता और वो उसके पास उस बालक के पास समाधान के लिए जाते तो वह पूरी गंभीरता से न्यायपूर्ण समाधान देता था लेकिन चट्टान से जैसे ही वो बालक हटता था उतरता था वैसे ही वो बालक सामान्य बालकों जैसा व्यवहार करने लगता था उस बालक के व्यवहार की चर्चा उस राज्य के राजा तक पहुंची और उस स्थान पर खुदवाई कराई गई कि आखिर उस चट्टान की विशेषता क्या है उस खुदाई के पश्चात ये पता चला कि वो सिंहासन देश के भारत के न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य का था उस सिंहासन के प्रभाव से ही उस बालक में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता आ जाती थी आप सभी पीठासीन अधिकारियों का भी जो अध्यक्षी पीठ होती है वो भी निष्पक्षता समदर्शता और न्यायप्रियता का आसन है और आप सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपका व्यवहार भी इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होना चाहिए हमारी